अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सारा मॉम्स किचन। क्या हाल है आप सबका? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। आज जो मैं बनाने जा रही हूँ डिश, वो है मछली की फ़िश। है हमारे पास, हम बनाने जा रहे हैं जो कसूर में फ़िश मिलती है ना, फ़िश फ्राई, यानी कि जो भी यहाँ से लाहौर से कोई भी कसूर जाता है तो वहाँ से वो मछली खाए बिना वो रहते नहीं है। आज हम आपको वो बनाने का तरीका बता रहे हैं। इसको लाहौरी फ़िश भी कहा जाता है और बहुत सारे नाम दिए जाते हैं, लेकिन सबसे मशहूर इसको कसूरी फ़िश कहा जाता है कि वहाँ की ये बहुत मशहूर है। ये मेरे पास जो है 2 किलो जो है इसमें मेरे पास ये मछली है, काला रोहू है मेरे पास। इसको मैंने फ्राई वाले पीसेस बनवा लिए हैं। इसको हम पहले आपको दिखाएंगे कि आपने इसको वॉश कैसे करना है, इसको किस तरह मैरिनेट करके रखेंगे कि इसमें से बिल्कुल हर तरह की इसकी स्मेल सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाए। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है हमने नमक डाला है। नमक आप कोशिश किया कीजिए कि नमक आप जो है वो सी साल्ट मत इस्तेमाल किया करें। आयोडीन वाला नमक तो मछली में यूज़ ही मत करें, क्योंकि उसका बिल्कुल फ्लेवर नहीं आता। जो हमारे क्योरा का नमक है, जो चक्की से पिसा हुआ मिलता है, जो बाहर के माल में स्टोन साल्ट के नाम से लिया जाता है, आप वो इस्तेमाल किया करें। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं, बहुत सारी बीमारियों का इलाज है इसके अंदर। आप नमक ये वाला इस्तेमाल किया कीजिए। अब इसमें 2 टेबल स्पून जो है मेरे पास पिसी हुई अजवाइन है, ये मैंने डाल दी है। 2 मैंने ऐसी लहसुन की गठियाँ ली थी, जिसको मैंने जो है 1 कप पानी डाल के इसको मैंने जो है वो मेरी उसमें ब्लेंडर में डाल के इसको पीस लिया है, कि मैंने छिलके नहीं उतारे थे लहसुन के, छिलकों समेत मैंने इसको पीस लिया है। इसको कोई छानने की पुनने की ज़रूरत नहीं है। ये जितनी देर आप लगाएंगी इसको, इस पर बिल्कुल स्मेल ख़त्म हो जाती है। वॉश करने के बाद आप इसको पड़ा भी रहेगा ना, कहीं भी पड़ी हो किचन में, इसमें स्मेल बिल्कुल नहीं आती। ये 1 कप जो है ये हमने इसमें डाल दी है। अब हम इसको हाथों से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये सारा जो मटेरियल है इसके ऊपर लग जाए और इसको जो है ना इसमें से स्मेल ख़त्म हो जाएगी और बहुत अच्छा इसकी मैरिनेशन में जो है काम आएगा। और दूसरी बात ये कि जब भी आपने फ़िश बनानी हो, आप एक दिन पहले ले, ताकि आप जब इसको मैरिनेट करके रखें तो अगले दिन आप इसको फ्राई करें तो आपका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आएगा। अब हम इसको हाथों से मिल के तो इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। लहसुन, अजवाइन और नमक लगा के हम इसको 2 घंटे के लिए रख देंगे। 2 घंटे के बाद हम इसको 1-1 पीस पकड़ के अच्छी तरह मलमल के इसको वॉश करेंगे। वॉश करने के बाद हम इसको किसी टोकरी में डालेंगे ताकि 1.5-1 घंटा जो है ना 1 घंटा उसमें पड़ी रहे और सारा इसमें जो पानी है वो निकल जाए। उसके बाद हम जो है इसको हम मैरिनेट करेंगे। तो अभी हम इसको रख देते हैं, फिर हम मैरिनेट की तरफ आते हैं। ये 2 घंटे हमने जो इसको लहसुन और अजवाइन और नमक लगा के रखा था, अब मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके इसको फिर मैंने 1 घंटे के लिए जो है ना वो किसी टोकरी में डाल के रख दिया है ताकि मुझे फिर सारा इसका पानी निकल जाए। अब इसमें बिल्कुल कोई स्मेल नहीं आ रही। मेरी बेटी ये जो वीडियो बना रही है, इसको बहुत एलर्जी है इसकी स्मेल से, लेकिन इसको कोई स्मेल नहीं आ रही। वो बड़े इत्मीनान से खड़ी है मेरे पास, तो इससे अंदाज़ा आपको हो ही रहा होगा इसमें कोई नहीं है, कुछ भी स्मेल नहीं आ रही। इसको हमने धो के उसके बाद हमने ज़रा ज़रा इसमें कट्स लगा लिए थे ताकि जो इसके जो मसाले हैं वो अच्छी तरह इसमें रच बस जाए। मसाला बनाने के लिए हमें 5 टेबल स्पून इसमें बेसन चाहिए। बेसन की हमने इसके ऊपर फिलिंग वगैरह नहीं करनी, ये सिर्फ के मसाला इसके ऊपर टिक जाए। और 1/2 कप मेरे पास इमली का जो पानी है वो मैंने उसका बना लिया था, भिगो के उसकी गुठलियाँ बाहर निकाल के उसका जो पल्प बनता है वो बना लिया। 1/2 कप ये मेरे पास, 2 लेमन का जूस है मेरे पास, 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक है, थोड़ा सा येलो फूड कलर, 2 टीस्पून जो है ये कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून नमक जाएगा क्योंकि नमक उसको लगा के भी रखा था इसलिए इसमें कम डालेंगे। 2 टेबल स्पून जो है पिसी हुई सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून जो है इसमें पिसा हुआ गरम मसाला है। बाकी अब ये जी चीज़ें हैं, ये 2 टेबल स्पून जो है ये ज़ीरा है, 3 टेबल स्पून साबुत सूखा धनिया और 1 टेबल स्पून जो है इसमें वो है अजवाइन। हम इन तीनों को जो है इसको हम हल्का सा भूनेंगे और इनको हम कूटेंगे। इस तरह इसको हमने नहीं डालना, आइए हम इसको भूनते हैं और फिर इसको तैयार करते हैं। हमने कढ़ाई में जो है 3 टेबल स्पून जो है ये सूखा धनिया, पहले हम थोड़ा सा इसको जो है वो भूनेंगे। 1 मिनट के लिए सूखा धनिया भुना है, उसके बाद हमने ज़ीरा डाल दिया और अजवाइन डाल दी। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे ताकि इसमें से खुशबू आ जाए अच्छी सी। जैसे खुशबू आने लगी इसका चूल्हा हम बंद कर देंगे। इसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इसको हम मोटा मोटा कूट लेंगे, ग्राइंड नहीं करना आपने। ये हमने तीनों चीज़ों को जो है वो मोटा मोटा कूट लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले जो है वो
इमली का पल्प जाएगा, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। लेमन जूस, दो लेमन है उसका जूस बना लिया था मैंने। 5 टेबलस्पून इसमें जो है वो बेसन जाएगा। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अदरक लहसुन और ये जो अजवाइन, जीरा और सूखा धनिया, ये चला गया। इसमें पिसा हुआ गरम मसाला, सुरख मिर्च का पाउडर, नमक और कुटी हुई सुरख मिर्च, सबको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसाले की थिकनेस इस तरह की होनी चाहिए। इसमें जो हमने इस कंडीशन में जो है, आप इसमें नमक चख सकते हैं, थोड़ा सा हम नमक इसमें और डालेंगे, बस नॉर्मल सा, और नमक को बहुत तेज़ ना हो। बहुत मज़े का मसाला बना है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हमने इसमें जो लेमन जूस और वो ऐड किया है इमली का रस, तो उसका फ़ायदा ये है कि ये खट्टी नहीं होगी हमारी फिश जो है वो खट्टी नहीं होगी, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको जो वो जो अंदर एक पानी पानी सा फील होता है ना मछली में, वो नहीं होगा। यहाँ पर हम मसाला लगाते हैं इसको, मछली को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह आपने हाथों से अच्छी तरह से इसको मल के एक एक पीस पकड़ें और उसको खूब अच्छी तरह से जो है वो मसाला लगा दें। ये हमने सारी मछली को जो है वो मसाला लगा दिया है। अब हम इसको जो है वो पूरे एक दिन के लिए, 24 घंटों के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रीजर में नहीं रखना है इसको, फ्रिज में रखना है। और अगर आप लोग इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो जितने जितने आपको पोर्शन चाहिए होते हैं उतने उतने अलग-अलग पैकेट्स बना के फ्रीज़र में रख दें। जिस दिन आपको चाहिए वो बाहर निकालें, जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो फिर इसको आप फ्राई करें। इसमें मैंने फूड कलर जो है वो ऑप्शन होता है, मैंने इसलिए मैं डालना पसंद नहीं करती, लेकिन कुछ लोग डालते हैं, मुझे वो इतना पसंद नहीं होता क्योंकि वो बहुत येलो सी फिश हो जाती है। मैंने इसलिए नहीं डाला, आपको डाले बिना दिखाया कि देखें मिर्च और मसालों से हमारा कलर बहुत अच्छा आ गया है। तो अगर आप चाहें तो उसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं, वरना इसमें कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप फूड कलर इसमें डालें। मैंने वैसे बताया था कि 1 पिंच आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन उसके बिना देखें कलर बहुत बहुत ज़बरदस्त इसका कलर आ गया है। तो अब हम इसको जो है पूरे 24 घंटों के लिए फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में क्योंकि बाज़ार में जो हम जाते हैं तो उन्होंने भी देखे ना बर्फ़ के ऊपर लगा के रखी होती है, ताकि इसके अंदर जो मसाला है वो बहुत अच्छी तरह से जो ना वो मिक्स हो जाता है ठंडी जगह पर रखने पर। बाकी ये सारा मसाला इसके ऊपर चिपका नहीं रहेगा, जब हम फ्राई करेंगे कल तो फिर हम आपको दिखाएंगे। जो हमें मछली जब हम खाते हैं बाहर जाके हम खाते हैं, तो उसके साथ हमें एक चटनी दी जाती है, पत्ती सी ग्रीन से कलर की होती है, इमली का पेस्ट उसके अंदर होता है, बहुत मज़े की होती है। वहाँ जब हम बैठ के खाते हैं शॉप के ऊपर ही, तो हमें तो वो चटनी जितनी हम चाहें हम दोबारा ले सकते हैं। जब हम घर लेके आते हैं ना मछली, वहाँ से घर ला के खाने के लिए, तो बहुत थोड़ी सी मिलती है और फिर हम मुँह देखते रहते हैं कि यार वो इतनी मज़े की चटनी थी, केचप के साथ उसका टेस्ट नहीं आ रहा, दही के रहते के साथ टेस्ट नहीं आ रहा, उस चटनी के साथ ही मज़े की लगती है ये। तो हम वो आपको चटनी बनाना सिखाते हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपको वो बहुत मज़े की लगेगी और फिश का मज़ा दुबाला हो जाएगा। ये हमारी मछली को मसाला लगाए हुए जो है वो 24 घंटे हो चुके हैं। कल हमने तैयार किया था इसको, मैरिनेट करके रखा था हमने फ्रिज में रखा था, ये बिल्कुल ठंडी है, चिल है। अब हम इसको जो है फ्राई करने के लिए, आपने जितना जो है इसके ऊपर से मसाला उतारना हो आप उतार सकते हैं, वरना ऐसे भी आप फ्राई कर सकते हैं ताकि आपको मसाला ज़्यादा फील ना हो। तो उधर हमने ऑयल जो है वो गर्म करने के लिए रख दिया इसके फ्राई होने के लिए, तक ऑयल के गर्म होने तक जो है हम जो है उसकी बेसिक जो चटनी है इसके साथ वो हम तैयार करते हैं। चटनी के लिए हमें जो है वो 1 कप जो है हमने 1/2 कप जो इमली है वो 1 कप पानी में हमने भिगो के रखती थी, उसमें से गुठलियाँ निकाल के ये हमारे पास जो उसका जो बल्ब है वो तैयार हो गया है। ये तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा है। जो मसाले जाएंगे उसमें 1 टीस्पून जो है वो साबुत ज़ीरा और 1.5 टीस्पून यानी कि 1.5 चाय वाला चम्मच है वो कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून जो है वो साबुत धनिया, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1/2 टीस्पून काला नमक और 1/2 टीस्पून ही सफ़ेद नमक जो आम घर का नमक होता है वो जाएगा। हरे मसालों में से ये 2 से 3 टेबलस्पून जो हमारे पास सब्ज़ धनिया है, 3 सब्ज़ मिर्ची हैं, इतना थोड़ा सा ये प्याज जाएगा बहुत छोटा सा,
और हाफ कप से ज़्यादा जो है ये पुदीना जाएगा और एक लेमन जाएगा। इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल के जो है वो ग्राइंड कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसका सारा पल्प चला गया, ये हमारे सूखे मसाले जो हैं वो चले गए, धनिया, सब्ज मिर्च, प्याज और पुदीना, और ये एक लेमन का जूस रह जाएगा। आप ये डाल लें या एक चम्मच आप वाइट सिरका डाल लें, मैं मुझे पसंद नहीं है वो, तो मैं इसलिए लेमन डालती हूँ, उसकी बड़ी प्यारी सी अच्छी सी खुशबू आती है। अब हम इसको जो है वो अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते। ये चटनी हमारी माशाल्लाह बिल्कुल तैयार हो गई है, इतनी इसकी प्यारी खुशबू आ रही है। ये इसको जो है ये थिकनेस इसकी देखें, बाज़ार वाले तो बहुत पतली पानी की तरह होती है, लेकिन ये थिकनेस चेक करें, बहुत मज़े की चटनी है। आप चाहें तो इसको पतला कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिहाज से ये बिल्कुल ठीक है। आए हम फ़िश फ्राई करते हैं। ये फ़िश हम ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, ऑयल को आपने एक दफ़ा तेज़ गर्म करना है, और उसमें जो है आपने फ़िश डालने के बाद जो है ना, बिस्मिल्लाह, सरसों के ऑयल में मछली बहुत अच्छी फ्राई होती है। और इसके अंदर फ़िश डालने के बाद जो है आपने इसको बिल्कुल जो है ना 5 मिनट के लिए बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसको पलटना भी नहीं है, और चूल्हा जो है वो मीडियम कर देना है, तेज़ फ्लेम पे नहीं बनानी है और बहुत स्लो पे भी नहीं बनानी, मीडियम हीट पे बनानी है। 5 मिनट एक साइड पे और 5 मिनट दूसरी साइड पे आपने पकाना है इसको। 5 मिनट हो चुकी है, ये देखिए माशाल्लाह से आराम से ये पलटी जा रही है। अब हम इसको दूसरी तरफ से 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट हमने एक साइड से बनाया और 5 मिनट हमने दूसरी साइड से बनाया। बिस्मिल्लाह, ये देखें इसका कलर, इसका मसाला बेहतरीन किस्म की। अब आपने जो 2-3 मिनट जो है ना इसको जो है ये दबाना है, दबा दबा के पकाना है, ताकि इसके अंदर से जो पानी है ना, ये देखें बबल बन रही है, इसमें से भी बनेंगे। इसका जो पानी है वो हमने ऐसे दबा दबा के निकालना है, और 2-3-4 मिनट तक ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। ये 5-6 मिनट इसको इस तरह हल्का हल्का सा दबा के इसके अंदर से जो पानी था वो भी बाहर निकल के जो है वो खुशक हो जाए, बिल्कुल ड्राई हो जाए। बिस्मिल्लाह, ये इसकी शक्ल देखें, बिल्कुल इसके ऊपर मसाले का टेक्सचर आप चेक करें, कितना ज़बरदस्त सार है, और इसका कलर आपकी मर्ज़ी है, इसके ऊपर आप मसाला रहने दें या ना रहने दें, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा टेंडर हो चुकी है कि अंदर मसाला रच बस गया है इसका। इसमें से ऑयल निकालें अच्छे तरीके से, ऑयल जब निकल जाता है तो आप इसको जो है ये पेपर पे डाल दें, ताकि इसमें कोई भी किस्म का ऑयल जो है वो ना रह जाए। तो अब हमने इसको ऑयल को थोड़ा सा चूल्हा तेज़ करके इसको दोबारा गर्म करना है, फिर इसके अंदर मछली हमने डालनी है, और मछली डाल के फिर हमने जो है ना चूल्हा के इसका फ्लेम जो है वो थोड़ा कम कर देना है, फिर उसके बाद हम 15 मिनट तक मछली पकाएंगे। ये हमारी कसूरी फिश जो है ये तैयार हो चुकी है, इसके ऊपर मसाला देखें बहुत प्यारा लग रहा है, आपका दिल करे मसाला लगा रहने दें, नहीं तो आप इसको उतार दें, ये इतनी अच्छी मैरिनेट हो चुकी है कि का फ्लेवर हर बाइट में आपको आएगा। उसके साथ जब ये चटनी है ये तो मज़ा ही दुबला कर देती है, ये प्योर फिश के साथ चटनी खाई जाती है, आपकी मर्ज़ी है आप केचप के साथ खाएं, लेकिन ये चटनी आप साथ बनाएंगे तो क्या ही बात है। बाकी नान, गर्म गर्म नान है, नान के साथ आप इसको सर्व करें, खाली खाएं, ब्रेड के साथ खाएं, ये आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बनाइएगा। ज़रूर इसको देखिएगा, जितना हमने नमक लगाया था पहले धोने से पहले और बाद में मसाले में डाला था, नमक बिल्कुल इक्वल है, बिल्कुल ताज़ा ज़्यादा नहीं हुआ। तो आप इंशाल्लाह ताला इसको बनाएं। और एक बात जो मैं आपको ज़रूरी बताना चाह रही हूँ वो ये है कि फ़िश का जो ऑयल है जिसमें हम फ्राई करते हैं उसको आप अलग रखा करें, उसमें हमेशा मछली ही फ्राई करें, उसमें कोई और चीज़ फ्राई मत किया करें। मदर्स कहती हैं चलो जी ये पकड़ो भुजिया में डाल लो या उसमें डाल लें आप आलू मेथी में डाल, लेकिन इसका फ्लेवर किसी में नहीं आता, बहुत हुआ तो पकौड़े बन जाते हैं, वरना कोई चीज़ इसके अंदर फ़िश वाले ऑयल में और कोई चीज़ फ़िश के अलावा फ्राई हो ही नहीं सकती, वो एक हींग सी आने लग जाती है जो बच्चों को पसंद नहीं आती, फिर वो चीज़ें ज़ाया जाती हैं। तो आप इसको बनाएं, टेस्ट करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में ज़रूर कीजिए। बहुत पुरजोर फरमाइश थी एक दो लोगों की, अब मैं नाम नहीं मैं बता सकती उनके, तो उन्होंने मना भी किया था कि भी नाम मत लेना मेरा, तो
इसलिए ये जो है बेहतरीन किस्म की कसूरी फिश आपकी रेडी है। जो लोग कसूर में जाके स्पेशल इसको खाते हैं वो आप घर में बनाएं और इंजॉय करें। फीडबैक की ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।